फ्रेंड्स जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा लीडरशिप एकेडमी, और जैसा कि मैंने बताया था क्लास टेंथ के लिए मैं एक प्लानिंग लेके आया हूँ क्रैश कोर्स का। उसके पहले हम ये समझेंगे कि जैसे कि आपके जो पेपर्स हैं जितने भी, तो आप जैसे मैं बात करूँगा साइंस और मैथ्स की, तो अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे साइंस का। जैसे साइंस के पेपर में सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपके जो भी चैप्टर्स हैं, यानी इकाई जो है अलग अलग 5 इकाइयों में बटा हुआ है, तो उसमें भौतिक विज्ञान का पार्ट, रसायन विज्ञान का पार्ट, जीव विज्ञान का पार्ट, और आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हर एक सेगमेंट से आएंगे, आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या हैं, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए इसको। तो आप अगर स्कोर करना चाहते हैं मैक्सिमम, तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए हाउ यू कैन स्कोर मैक्सिमम इन योर साइंस पेपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइंस में आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। आपका जो मतलब बात करें हम टोटल साइंस का सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स 100 अंक का है। इसको दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका 70 मार्क्स का रिटेन एग्जाम लिखित परीक्षा है, जिसका कि बोर्ड पेपर आप देने जा रहे हैं, और 30 अंक यानी कि 30 मार्क्स का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य यानी प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क ये है, ठीक है। यानी टोटल 70 प्लस 30 मिलकर 100 हो गया। और देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने ये आपके लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना रखा है, यानी मिनिमम पासिंग मार्क 23 आपके रिटेन एग्जाम के, ठीक है, और 10 आपके प्रोजेक्ट वर्क के, यानी कि 33 मार्क्स मिलते हैं तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। आइए हम साइंस के सब्जेक्ट में समझते हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं और उन पे कितने मार्क्स माध्यमिक शिक्षा परिषद ने लेटेस्ट डिसाइड किए हैं। तो आप देखिए अगर हम पूरे सिलेबस की बात करें, पूरे पाठ्यक्रम की बात करें विज्ञान की, तो उसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक, यानी इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक। इसमें हम बात करें तो अगर हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, ये जो पूरा यूनिट आपका रसायन विज्ञान है, यह आप 20 अंक का प्रश्न आपको यहां से मिलेगा। यानी किसी भी व्यक्ति बच्चे ने अगर यूनिट 1 उसका पूरी तरीके से तैयार है तो 20 अंक पाने का हकदार होगा। बात करें हम यूनिट 2 जैव जगत और एक यूनिट 5 देखिए प्राकृतिक संसाधन, ये दोनों मिला के जीव विज्ञान है, तो आपको 20 अंक यहाँ और 5 अंक यहाँ, यानी 25 अंक जो है आपके जीव विज्ञान के रहते हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान के 20 अंक और जीव विज्ञान के 25 अंक, 45 हो चुके। और ये यूनिट 3 यूनिट 4 प्राकृतिक घटनाएं संवृत्तियां और विद्युत का प्रभाव, ये दोनों भौतिक विज्ञान का पॉइंट है, और यहां से यानी कि प्राकृतिक घटनाओं से 12 अंक और विद्युत का प्रभाव से 13 अंक, यानी 12 और 13 कितने होंगे 25 अंक। तो कुल मिला के हम कैलकुलेशन की बात करें तो आपके रसायन विज्ञान से 20 अंक, जीव विज्ञान से 25 अंक और भौतिक विज्ञान से 25 अंक। तो इस तरह से आपके 25, 25, 50 और 20, 70 नंबर आपके ये हो गए। अब आते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन की बात करें। इसी में ये सपोज कीजिए किसी बच्चे ने तैयारी नहीं कर पाया किसी कारण से, उसकी हेल्थ कंडीशंस ठीक नहीं थी, बट अभी एग्जाम सर पे है, तो पास कैसे करना है, उसका तरीका क्या हो सकता है। तो देखिए पास करना सिंपल एकदम इजी टास्क है कि जैसे देखिए अगर हम बात करें, अगर वो बायोलॉजी का पार्ट तैयार कर लेते हैं, सबसे इजीएस्ट पार्ट जैव जगत तो प्राकृतिक संसाधन, और उन्होंने फिजिक्स में जैसे 12 विद्युत का प्रभाव पढ़ लिया, तो आप केवल इसी से देख लिए 20, 25, 25, 27, 28, 38 नंबर आपको इसमें मिलेगा, पास हो जाएंगे। यानी आप इस मार्क्स के सेगमेंटेशन से देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आप सेलेक्ट करके पास हो सकते हैं। पहला तो ये हो गया। अब हम ये देखेंगे कि आपका जो मॉडल पेपर यानी क्वेश्चन पेपर रहता है उसका प्रारूप क्या रहता है। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि बहुविकल्पी कितने आएंगे, अपलघु उत्तरी कितने आएंगे, लघु उत्तरी, विस्तृत उत्तरी, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना लिखना है। तो हम पहले आपको सेगमेंटेशन बता देते हैं, आप यहाँ सेगमेंटेशन देख लीजिए। जैसे भौतिक विज्ञान है तो आपका जो प्रश्न पत्र होता है वह देखिए आप देखें 4 खंड में बटा होता है। 4 खंड का मतलब पहला एक बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिसमें कि 4 विकल्प दिए गएंगे, आपको सही पे टिक करना होगा। एक अति लघु उत्तरी होगा जिसको वेरी शॉर्ट कहते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप, और एक होता है लघु उत्तरी यानी शॉर्ट टाइप, और एक होता है विस्तृत उत्तरी, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप। तो आप देखिए भौतिक विज्ञान से 4 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 × 4 = 4 नंबर। रसायन विज्ञान से 3 बहुविकल्पी पूछे जाएंगे और जीव विज्ञान से 4। तो टोटल यानी आपके प्रश्न पत्र में तीनों को मिला दें, भौतिक, रसायन, जीव को, तो 11 नंबर का बहुविकल्पी आएगा। अगर हम अति लघु उत्तरी की बात करें तो भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तीनों से 3-3 लघु उत्तरी पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 नंबर के होंगे, 2×3=6, 6×3=18 नंबर के हो गए।
और लघु उत्तरीय की बात करें तो भौतिक विज्ञान से दो लघु उत्तरीय, जीव विज्ञान से दो लघु उत्तरीय और रसायन विज्ञान से केवल एक लघु उत्तरीय पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर 20 नंबर के आपके लघु उत्तरीय हो गए। और अगर हम बात करें विशिष्ट उत्तरीय की प्रश्न पत्र की रूपरेखा अंक विभाजन में आपने देखा कि भौतिक विज्ञान से टोटल 25, रसायन विज्ञान से 20 और जीव विज्ञान से 25, तो यानी कि टोटल हम जोड़ें तो 70 मार्क्स। और यहाँ अगर हम क्वेश्चन वाइज करें बहुविकल्पी के 11 नंबर, अर्ध लघु उत्तरी के 18, लघु उत्तरी के 20 और विस्तृत उत्तरी के 21, यानी ये भी हो गया 70 नंबर। तो ये आपके 70 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सेगमेंटेशन को समझ चुके हैं तो आपके लिए बड़ा ईजी होगा एग्ज़ाम में स्कोर करना, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे माय डियर स्टूडेंट्स जो भी हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वो मैक्सिमम स्कोर करेंगे और टॉप 10 लिस्ट में भी उनका पोजीशन रहेगा। मैं साइंस और मैथ्स में आपकी हेल्प करूँगा, तो बने रहिए फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। और आपको ये कैसा लगा सेशन आप इस कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लेट मी नो, और आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू। जय हिंद फॉर वॉचिंग।